अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। अल्लाह अल्लाह करके शहर कायद में बारिश होती है और वो रहमत को चंद लोगों की वजह से वो रहमत शायद शहर कायद के लिए जहमत बनती हुई नज़र आती है। चंद घंटों की बारिश, सिर्फ चंद घंटों की बारिश की मैं बात करूंगा इस पाँचवें स्पेल की जो कि शहर कायद में हुई। चंद बूंदें बरसी, एक तरफ तो हम ये देखते हैं पहले कि के इलेक्ट्रिक का महकमा, उसको हम अलग रखते हैं, उस पर हम अलग से बात करेंगे। शहर कायद में जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, जो इस वक्त बारिश के बाद दिखाई देती है आवाम को, क्योंकि ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो बारिश होने के बाद हमें दिखाई देती हैं शहर कायद में, खास तौर पे कराची के मखसूस डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ज़्यादातर बारिश रिकॉर्ड की गई। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है या बल्दिया बस्ती जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, सुरजानी टाउन का इलाका जहाँ पे 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई चंद घंटों में, सिर्फ चंद घंटों में। और अगर खुदा नखास्ता शहर कायद में 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो जाती तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ था इस शहर का। मैं बात करूंगा जिला बस्ती की जहां पे सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, सबसे ज्यादा अबतर सूरत हाल, नहायत ही खराब सूरत हाल जो हमें शहर कायद में दिखाई दी वो जिला बस्ती की थी। वजूहात क्या है जिला बस्ती में तमाम चीजें नजर आने की, एक तरफ तो बारिशें हुई, दूसरी जानब वहां पर ड्रेनेज का सिस्टम नहीं के आया कि अगर बारिश का पानी जमा होता है तो वो जाएगा किस तरह। फिर वहां पर जो सड़कों का हाल है वो तो अल्लाह ही हाफिज़ उन तमाम चीजों का, कि जो कारकर्दगी उस बल्दिया बस्ती के एडमिनिस्ट्रेटर की है वो यकीन तौर पे वो सवाल खड़े कर देती है जो शायद अब सिंध हुकूमत से भी सवाल करने बन जाते हैं कि आखिरकार सिंध हुकूमत उनकी कारकर्दगी पर सवाल क्यों नहीं उठाती, उनसे पूछगछ क्यों नहीं किया जाता कि आप बल्दिया बस्ती के एडमिनिस्ट्रेटर तायुनात हैं, कि आप वहां पर काम क्यों नहीं करते। शहर कायद की जो सूरत हाल है, सड़कों की सूरत हाल है, कचरों का वहां पर ढेर लगा पड़ा है, लोगों का गुजर मुश्किल हो चुका है। अब बारिश में यह सूरत हाल थी कि सड़क और फुटपाथ या नाला कहीं पता नहीं लग रहा था कि सड़क किधर है, चलना किधर है, आवाम को अपनी गाड़ियां किधर चलानी है, नाला किधर है जिससे बच के चलना है। आए रोज इस तरह के हादसा होते हैं जो कि हम देखते हैं बारिश ना होने की वजह बाद भी जो सूरत हाल होती है, लेकिन अब जो सूरत हाल सामने थी वो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा सवाल निशान है एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया बस्ती के लिए, जिनका नाम मैं लेते हुए बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करूंगा। उनका नाम है मोहम्मद अली जैदी, वो यकीनी तौर पे इस बल्दिया बस्ती के एडमिनिस्ट्रेटर तैनात हैं, मगर उन्होंने काम क्या किया है वो अब सबके सामने आ चुका है। ये वो इलाका है शहर का जो कि पूरा सेंट्रल है और काफ़ी बड़ा इलाका है जहाँ पे ये काफ़ी बड़ी तादाद में आबादी रहती है। अब शायद वहाँ के आवाम को कीड़े मकोड़े समझ लिया गया है, उनके लिए कोई काम नहीं होता, जो सूरत हाल सड़कों पर दिखती है वो सबके सामने है। दूसरी जानब हमने देखा कि शहर कायद में एडमिनिस्ट्रेटर कराची सड़कों पर निकले दौरा करने, तो क्या उन्होंने बल्दिया बस्ती का दौरा किया, उन्होंने वहाँ जाके सूरत हाल देखी जो नागन चौरंगी की, इसके साथ साथ नॉर्थ नाकोबाद की और मुख्तलिफ ऐसे इलाके जहाँ पर सूरत हाल मजीद गंभीर हो चुकी है, क्या वो वाकई वो चीज़ें देखते हैं जाके, उनको इस चीज़ का इल्म है कि आखिर बल्दिया बस्ती में क्या रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर वहां काम क्या कर रहे हैं, किस तरह से तनख्वाह ले रहे हैं, ठंडे कमरों में बैठे हैं वो अफसरान शाह खर्चियां कर रहे हैं, क्या वजूहत है इसकी बात, इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे टेलीफोन पे मौजूद है ब्यूरो चीफ कामरान जहरी से। कामरान जहरी बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो आपने इस बल्दिया बस्ती का जो मामला आवाम के सामने रखने के लिए हमारी मदद की और हमने भी जो आवाम के सामने इसके मामले को रखा है, तो क्या वाकई हम देख रहे हैं बल्दिया बस्ती में जो चंद घंटों की बारिश थी उसने कारकर्दगी का पोल तो खोला सिंध हुकूमत की, इसके साथ साथ जो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर लगे हुए हैं उन्होंने क्या कारकर्दगी अंजाम दी वो यकीनी तौर पर इस बारिश ने वाज तौर पर सबके सामने रखती है। आपने क्या आखस करा जो इलाकों में जाके, जो वहां पर विजिट करा शहर का, इस वक्त जो बारिश हुई और उसके बाद जो हमने सूरत हाल निकल के देखी कि किस तरह से बच्चे तैर रहे हैं, लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, जा बजा हादसा होते होते बच जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि कोई हादसा अभी तक रोनुमा नहीं हुआ, आपने क्या आखस करा देखे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बहुत शुक्रिया मुताहिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे चैनल का K21 न्यूज़ चैनल का, जो आवाम के लिए एक आगाही चैनल है, क्योंकि हम आवाम की बात करते हैं और कराची की आवाज़ भी हैं, तो हम वो हकाइक पेश करते हैं जो शायद दूसरे लोग दिखाते हुए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं या उसको बताते हुए किसी मसलियत पसंदी का शिकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा दिन हमारे साफी, पूरे जर्नलिस्ट और हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में मौजूद रहते हैं, अच्छे बुरे हालात देखते हैं और अच्छे और बुरे दोनों चीजों की रिपोर्ट हम जिस तरह जो मेरिट के बुनियाद पर होती है उसको फिर आवाम के सामने आपके प्रोग्राम के जरिए हम पेश करते हैं। जहां तक बात रही आज के दिन रेन इमरजेंसी के जो नाफिज की गई थी, आप थोड़ा सा तवज्जो चाहूंगा, मामला यह है कि देखें ये कराची के अंदर मानसून बारिशों का आने वाला कोई पहला और अचानक जो है नाजिल होने वाला स्पेल नहीं है, ये पांचवा स्पेल है और बल्दियाती
हुकूमती इदारों को इसको साफ करने के लिए जो इसको निमटने के लिए बहुत कसीर टाइम मिल चुका था, मुख्तलिफ मामलात के अंदर नाले, सड़क, कचरा और दूसरी चीज़ों से निमटने के लिए मुहर्रम अल हराम जैसा एक महीना आया और इसके बाद जो है ईद की उसमें आया, तो हर किस्म के इनके मामलात सेटल डाउन हो जाने चाहिए थे। मैं ये समझता हूँ पहले और दूसरे मामलात के बाद हल जो हो जाने चाहिए थे, लेकिन अब पांचवें स्पेल के बाद भी मामलात हल होके नहीं दे रहे, तो एक ये अचंभे की बात है जो इसलिए कासिर है। खासतौर पर अगर हम बात करें आज बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी की, तो कराची के कमोबेश 7 अजला में जो बारिश हुई उसमें सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर या मलीर के अंदर रिकॉर्ड की गई, और कम जो बारिश हुई है वो ईस्ट में या सेंट्रल के अंदर या जनूबी के अंदर देखी गई। बहरहाल बारिश कम और ज्यादा का तो यहाँ पर कोई हिसाब किताब रहा ही नहीं है, तो एक ही सफ में यहाँ पर तो महमूद और अयास दोनों लोग खड़े हो चुके हैं। जहाँ कम हुई या ज्यादा हुई, मामला सूरत हाल पूरे शहर कराची का एक ही जैसा मंजरनामा देखने आया। हाँ, बहुत सी चीजें बेहतरी की तरफ नजर भी आई। कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, डीएमसी की इंतजामिया ने केएमसी समेत दूसरे महकमे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाटर बोर्ड के भी फराइज खुद अंजाम दिए। उनमें से डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है, डिस्ट्रिक्ट साउथ है, किमाड़ी है, एडमिनिस्ट्रेटिव निजाम नजर आया। लेकिन बदकिस्मती से कराची का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है जहां पर हमने इंतजामिया को पूरी तरह से बेबस देखा इस बारिश के आगे। इस 10 से 17 मिलीमीटर बारिश के आगे आवाम को हमने शर्मसार होता हुआ देखा, धक्के खाते हुए देखा, दरबदर का होता हुआ देखा। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है एक हिकमत अमली बनाना होती है। जो हिकमत अमली आपने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी बारिश में नहीं बनाई, तो वो पांचवीं, छठी या सातवीं या दसवीं स्मेल आते रहे, वो ऐसे ही रहना है। तो हमने देखा बल्दिया बस्ती के अंदर कुछ इलाके, खासतौर पर लियाकताबाद, नाजाबाद, नॉर्थ नाजाबाद, नागन चौरंगी का खसूसन जो इलाका है, वहां पर हमने चीजों को बहुत ज्यादा जो है मसाइल का शिकार देखा। पूरी पूरी गाड़ियां, डंपर्स, ट्रॉलर, हर किस्म की चीजें हमने आवाम की अमलाक को डूबता, उनको बर्बाद होता हुआ अपनी आंखों से देखा और चैनल पे दिखाया भी। जहां तक बात करी आपने एडमिनिस्ट्रेटर कराची की अपने प्रोमो के अंदर के उन्होंने क्या विजिट किया कि नहीं किया, देखें एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने, मुर्तजा वहाब साहब ने पूरे कराची का वक्फे से विजिट किया। जब उनकी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर विजिट की बारी आई तो उस वक्त तक एक ट्रैक खाली कर चुके थे वो पानी से, और दूसरे ट्रैक को जो उन्होंने जो बद इंतजामी का की जो वजूहात करार दी वो वफाक पर ग्रीन लाइन मंसूबे के ऊपर डाल दी। अच्छा, अगर वफाक की तरफ से ये ग्रीन लाइन मंसूबे की वजह से ही ये सारे इंतजाम खराब थे तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर एमरजेंसी नाफिज कर देते। आपको आवाम की लाखों करोड़ों रुपए की आवाम जो अमलाक है उसको तबाह होने की देने की क्या जरूरत थी, उस ट्रैक को बंद कर देते आवाम के लिए। अगर आपको ये पता था कि ये ग्रीन लाइन मंसूबे की वजह से ये सड़क जो है तालाब का मंजर पेश करेगी, उसमें लोग डूब जाएंगे, उनकी गाड़ियां डूब जाएंगी, तो आपके लिए कौन सा इतना बड़ा मसला था कि उस ट्रैक को आप बंद करके आवाम के लिए नो गो एरिया बना देते और उसमें सिर्फ पानी को छोड़ देते। वो पानी दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन बाद उतर जाता। एटलीस्ट कम से कम आवाम की जो अमलाक जो बर्बाद, तबाह बर्बाद हुई है उससे तो बच जाते। हमने देखा मुर्तजा वहाब साहब जब आते हैं फील्ड के अंदर, पिछली चौथे स्पेल के अंदर हमने बल्दिया शर्की के अंदर, बल्दिया जनूबी के अंदर, बल्दिया वेस्ट के अंदर हमने देखा कि उन्होंने किसी अफसरान ने अगर काम नहीं किया तो रोड पे खड़े होकर उन्होंने सबके सामने उनकी सरजनिश करी। हमारा यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि आज मुर्तजा वहाब साहब ने पूरी तरीके से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो कराची का हब है, जो सेंट्रल है, जो बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्वाब है जिसको फतह करना, जिसके अंदर सबसे ज्यादा इसलाहात की जरूरत थी, उसको पूरी तरीके से नाकाम होता देखने के बाद मुर्तजा वहाब साहब ने क्या एक्शन लिया, क्या वहां के एडमिनिस्ट्रेटर से इसका कोई समरी पेश की जाएगी, कोई रिपोर्ट तलब की जाएगी, क्या वहां के म्युनिसिपल कमिश्नर से कोई सवालात पूछे जाएंगे, क्या वहां पर जो महकमे जो इंतजामी उमूर संभाल रहे हैं बशमूल एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया बस्ती की, क्या उनकी कोई सरजनिश होगी, या ये फिर इसको एक आसमानी आफत करार देके या वफाक पर सारा मलबा डालकर सारी चीजों को फिर खत्म कर दिया जाएगा। अच्छा कमरान जैन, इस दफा हुआ क्या, क्योंकि हम इससे पहले भी देख चुके हैं जहां पर बारिशें होती हैं वहां पर विजिट तो होता है मगर वहां पर हमने सरजनिश देखी। ये बल्दिया बस्ती जो कि पूरे कराची का सेंट्रल है, जहां की सूरत हाल इतनी गंभीर हो चुकी थी और मुर्तजा साहब ने जब यहाँ पे विजिट करा, एक ट्रैक जैसे कि अभी आपने बताया कि उसको क्लियर कर दिया था और वहां से गुजरने के बाद, तो क्या एडमिनिस्ट्रेटर कराची उनके साथ एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया बस्ती मौजूद रहे थे उस दौरान, उनके साथ मौजूद थे जब वो विजिट कर रहे थे, क्या उन्होंने सब अच्छा है वहां पर रिपोर्ट पहुंचाई है मुर्तजा साहब को?
देखें मुताहिर, मैं आपको एक चीज की यहाँ पर रेक्टिफाई कर दूं। देखें जहाँ मुर्तजा वास साहब ने विजिट किया तो वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती के तहा सलीम साहब समेत एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया और म्यूनिसिपल कमिश्नर जो हैं वहाँ पर बल्दिया वस्ती के उनके साथ मौजूद थे। और मुर्तजा वास साहब जब भी विजिट पर आते हैं तो के एम सी के आला अफसरान की एक पूरी टीमों की एक फहरिस्त होती है, उसमें डीजीज होते हैं, उसके अंदर जो है डायरेक्टर्स होते हैं, वो इसका एक पूरा कॉन्वॉय होता है जिसको वो वक्त पे करते हैं। अब थोड़ी सी चीजों को समझने की जरूरत है। मामला ये है कि कुछ अतराफ के अंदर पूरे शहर कराची के अंदर डीएमसी का ठेका नहीं होता, ना कचरा उठाने का होता है, ना ये सड़कों पर से पानी हटाने का भी, सिर्फ डीएमसी का मामला नहीं होता। इसके अंदर सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो केएमसी है कराची की बड़ी शाहराओं पर। लेकिन हमने देखा कि गुज़श्ता जब से मुर्तजा वाफ साहब ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची का चार्ज संभाला हुआ है, हमने केएमसी के अंदर देखें, सबसे पहले आवाम को यह पता होना चाहिए कि केएमसी के अंदर जो एम्प्लॉयज की तादाद कम से कम कमोबेश 20,000 से 30,000 के करीब है और डीएमसी के अंदर इसके ज्यादा सी बात है, इसके अंदर जो है 20-25% 30-40% की एम्प्लॉयज होगी। लेकिन हमने बल्दियाती इदारों को जो खुसूसन डीएमसी है, हमने वहां पर उनको डीएमसी के जो अफसरान है और मुलाजमीन है उनको हमने केएमसी का भी काम करते हुए देखा, वाटर बोर्ड का भी देखा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी काम उनके हाथों होते हुए देखा। तो एक ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि सिर्फ डीएमसी पे कर देना। हाँ, अब ये बात कहना जरूरी हो गया यहाँ पर कि जिस तरह कोई दूसरे बल्दियाती इदारों के अफसरान काम नहीं करते, मुर्तजा वाफ साहब या सैयद नासिर हुसैन शाह साहब जब उनकी सरजनिश करते हैं, हमने देखा उनको मुअत्तल होते हुए, हमने देखा उनको तब्दील होते हुए, तो ये एक बड़े ताज्जुब सी बात है कि जब वो मुर्तजा वाफ साहब जो है ना चेहरे से मुतमईन नजर आ रहे थे, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं ये जरूर होगा कि ये बल्दिया वस्ती की आवाम के साथ ज्यादती हो गई। और वो ये सोचना जरूरी है मुताहिर, मेरी बात समझे, उसकी वजह ये है कि देखिए बल्दिया वस्ती जो है खुसूसन हमेशा से सबका जमात एमक्यूएम का गढ़ रहा है, वहां से उनको वोट मिलता है, वो वोटर बैंक रहा है, पीपल्स पार्टी को कभी भी वहां से इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिला। फिर जब नए इलेक्शन लास्ट 2018 वाले हुए तो एमक्यूएम का वहां से एक तरीके से कहा जाए कि वहां पर मैंडेट कम रहा और तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया गया। तहरीक इंसाफ को मैंडेट देने के बाद मैं ये समझता हूं कि पीपल्स पार्टी को ये होश के नाखून लेने चाहिए थे कि बल्दिया वस्ती की आवाम का दिल जीतें। कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसा म्यूनिसिपल कमिश्नर, कोई ऐसा इस्लाहाती अफसरान लगाए जाएं क्योंकि जो म्यूनिसिपल सर्विसेज का तजुर्बा रखते हो। मुताहिर, एक्स पीसीएस अफसर को क्या मालूम कि किस तरह ड्रेनेज लाइन बनते हैं। मजे की बात यह है कि जो आज एडमिनिस्ट्रेटर हैं वहां पर वो साबका अदवार में म्यूनिसिपल कमिश्नर रह चुके हैं, इसलिए ही तो ज्यादा प्रॉब्लम की बात हमारे लिए ये समझने के लिए ये हो रही है कि यहाँ के साबका म्यूनिसिपल कमिश्नर जो हालिया एडमिनिस्ट्रेटर हैं मोहम्मद अली जैल साहब, उनको तो नाला चौकिंग पॉइंट्स, उनको तो तमाम चीजें पहले से पता होनी चाहिए थी, तो उसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो इसका मतलब है जो बल्दियाती इदारों के अंदर जो बाजगश सुनाई दे रही है कि कोई ना कोई तो है कि जिसके अंदर चाहतों का जो ये सफर चल रहा है बल्दिया वस्ती के एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, उसमें कहीं ना कहीं सदाकत नजर आ रही है। यानी कोई तो है कि जो इस तमाम काम के ऊपर या उनके ना काम करने के ऊपर पर्दा डाले हुए है। और दूसरी जानिब जिस तरह से आपने जिक्र किया कि यकीनी तौर पे यहाँ पे सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है इस बल्दिया वस्ती के साथ। अच्छा, दूसरी तरफ ये बात सामने आ जाती है कि एक तरफ तो एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए गए, उनको तमाम काम दे दिए गए, उनको फंड्स भी दिए जा रहे हैं, उनसे तमाम काम करने के अहकाम भी दिए जा रहे हैं, मगर होता कुछ नहीं है तो फिर रिजल्ट कौन लेगा इनका, इनसे पूछताछ कौन करेगा। अगर जिस तरह से हम बात कर लें एडमिनिस्ट्रेटर साहब की, उन्होंने भी जिस तरह से अपने चेहरे से मुतमईन होने का जो इजहार दिखाया वो भी एक काबिले तश्वीश बात है कि इतनी तमाम चीजें होने के बावजूद और जब जदीद दौर ही आ चुका है जहां पे एक छोटी से छोटी चीज को छुप नहीं सकती, सोशल मीडिया के जरिए पहुंच जाती है और अभी सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है इन तमाम चीजों से, उसके बावजूद भी इतनी लाइलमी दिखाई दी, एडमिनिस्ट्रेटर साहब से किसी ने कुछ पूछने की कोशिश भी नहीं करी किसी ने। देखें, बात दरअसल यह है कि लाख मुतमईन वो जरूर आए क्योंकि मुर्तजा वहाब साहब जो हैं वो सियासी हैसियत के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उनका खानदानी एक बड़ा बेहतरीन सा बैकग्राउंड रहा है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डिफेंड भी तो करना उन पर वाजिब है और मलजूम भी है। लेकिन मसला यह है कि मुर्तजा वहाब साहब भी इस कराची शहर के बेटे हैं और इस कराची शहर की मजबूरियां और इसके साथ की महरूमियां बखूबी जानते हैं कि कोई और अफसर जानता। बल्दिया वस्ती देखें, वो
इलाका है कि आपको मैं याद दिलाता चलूं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गुज़िश्ता माह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये अलग ऐलान कहा था कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वफाक के अंदर अगर मैंडेट लेना है तो उसके लिए कराची का वोट सबसे ज्यादा अहम वोट है और कराची वाले उसी वक्त वोट देंगे जब उनके काम होंगे। मेरा एक सवाल यहां पर बनता है, क्या एडमिनिस्ट्रेटर कराची को जो मुर्तजा वहाब साहब हैं, क्या उनको मुर्तजा अपना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये पैगाम नजर नहीं आ रहा? क्या इस कारकर्दगी के बाद आप ये सोचते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहां से मैंडेट मिल सकता है? अरे आप सिर्फ और सिर्फ, हमारा मुतालबा और हमारी सिर्फ और सिर्फ बात यह है कि कराची के दूसरे बल्दियाती जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं भले से उन्होंने 100% नहीं तो 50% तो काम किया तो हमें सुकून तो नजर आया, तो कम से कम वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई विल तो नजर आ रही है? कोई एडमिनिस्ट्रेटर कराची, कोई सूबाई वजीर बल्दियात साहब की कोई विल तो नजर आ रही है? कहीं तो लोग सुकून का सांस ले रहे हैं, चले पूरा नहीं आधा तो ले रहे हैं, लेकिन बल्दिया बस्ती की आवाम के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है ये समझ से बिल्कुल कासिर है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया बस्ती के साथ साथ सिंध हुकूमत से भी, वजीर बल्दियात से भी करने बनते हैं कि आखिर बल्दिया बस्ती की आवाम के साथ ये सलूक किया क्यों जा रहा है? चले हम बारिश से भी अगर हटके बात कर लें, अगर सिंध हुकूमत इस चीज पे वजह दे कि बारिश के अंदर ये सूरत हाल है, अगर उससे हटके भी हम बात कर लें तो एडमिनिस्ट्रेटर जो बल्दिया बस्ती है मोहम्मद अली जैदी साहब, उन्होंने बल्दिया बस्ती के अंदर आखिर क्या काम अंजाम दिए ऐसे जिसकी बिना पर उनसे कोई पूछताछ नहीं की जा रही है? मैं अगर बात कर लूं बिल बोर्ड्स की और कचरे के हवाले से जो इस वक्त बहुत बड़ा मसला बना हुआ है शहर कायद का, जो कचरा जमा हुआ हुआ है जगह जगह अंबार लगे हुए हैं कचरे के ढेर के, इसके साथ साथ जो अभी मानसून स्पेल आने से पहले महकमा मौसमियात ने कह दिया था कि बिल बोर्ड जो बड़े बड़े लगे हुए हैं इनको फौरी तौर पर हटा लिया जाए, जब मुर्तजा वहाब साहब ने बल्दिया बस्ती का विजिट करा तो उनको ये चीजें दिखाई नहीं दी क्या? मुताहिर कराची के अंदर जो आला अदालतें आजकल जहां पर बैठक लगा के आला मौजिज जज साहिबान बैठे हुए हैं, उन्होंने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पे जो रिमार्क्स दिए हैं वो हमें दोहराने की जरूरत नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए क्या इन रिमार्क्स से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इज्जत में चार चांद लग रहे हैं या उनकी लगाई हुई टीम के साथ ये जो अमल हो रहा है क्या खुशी होती होगी नासिर शाह साहब को या वजीर आला सिंध साहब को या एडमिनिस्ट्रेटर कराची साहब को इन ऐसे रिमार्क्स सुन के या ऐसी कारकर्दगी सुन के? तो हमारा कहने का मकसद समझें कि हमने देखा कि यहाँ पर जो बल्दियाती इदारे खुसूसन बल्दिया बस्ती जो है वो वेंटिलेटर पर है, उसका इलाज एक डॉक्टर करेगा ना कि कंपाउंडर, तो इनको ये कंपाउंडरों की टीम हटा के कोई सर्जन लगाना जरूरी हो गया है वरना तो ये कहीं भी सांस नहीं लेंगे। दूसरी बात आपकी ये कि इलीगल साइन बोर्ड देखिए मौजिज अदालतों ने इसके ऊपर वाजे तौर पर फैसले सादिर किए हुए अहकाम हैं और वो अदालतें कराची में आज भी हैं, वो कल भी लगेंगी, वो मुसलसल इसके ऊपर हेयरिंग्स कर रही हैं। तो बल्दिया बस्ती के अंदर आप मतलब कहीं पर भी इस वक्त जाए, खुसूसन अगर आप यासीनाबाद के अंदर देखें तो इन मानसून बारिशों के अलर्ट के बाद जब महकमा मौसमियात ने बिलबोर्ड हटाने की एक इंटीमेशन दी तो यहां पर हमने दो दिन पहले नया बिलबोर्ड लगाते हुए देखा। अब उनसे इस बात का सवाल करें कि ये बिलबोर्ड तो हटाने का टाइम है क्योंकि रेन इमरजेंसी लग रही है तो वो इस बात पर कोई जवाब नहीं देते। हम उनसे बात करते हैं कचरे को हटाने की तो वो इस बात पर वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इसका कसूरवार ठहरा देते हैं। तो करें तो आखिर करें क्या, और बल्दिया बस्ती की आवाम जाए तो आखिर कहां जाए? हमारा सिर्फ और सिर्फ सुबह वजीर बल्दिया सैयद नासिर हुसैन शाह साहब से ये सवाल है कि आप अपने सेक्रेटरी बोर्ड साहब से या सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड साहब जमीर अब्बासी साहब से इतना सिर्फ एक सवाल पूछें, क्या मोहम्मद अली जैदी समेत जितने भी बल्दियाती इदारों के अंदर कुछ ऐसे अफसरान हैं जो कराची की आवाम के लिए बेहतरी नहीं सोच रहे या बेहतरी, ये बेहतर इंसान होंगे बताते इनका दिल चाहता होगा लेकिन ये डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो क्या हमारे पास इसका कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है? क्या दूसरे बल्दियाती इदारों के अंदर चेंज नहीं होता क्यों? अगर मिसाल के तौर पे तहरीक इंसाफ के एमएनए एमपीएस रोड पे खड़े होकर ये जो बल्दियाती निजाम का फेलियर दिखा रहे हैं, अब वो मूवीज दिखा रहे हैं, ट्विटर ट्रेंड बना रहे हैं, तो क्या इससे तकवियत मिल रही है पीपल्स पार्टी को? ये समझने से बाला तर है। और अब मैं ये समझता हूं कि कराची की आवाम एक बाशऊर आवाम है, उनको चाहिए कि वो अपना फैसला खुद करें और अगर ये जो फैसले की घड़ी आएगी बल्दियाती इलेक्शन समेत और जिमनी इलेक्शन समेत तो उस दिन फिर सब बातें पता चल जानी है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि बेहतरी की तरफ जाना चाहिए और इनको काम करना पड़ेगा।
ठीक है, ये काम तो करना पड़ेगा। काम करने के लिए होगा कौन? अगर हम चले हम अगर मोहम्मद अली जैदी साहब को अगर हटाएं इनकी जगह से, अगर एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट से अगर इनको हटा दिया जाता है, अगर सिंध हुकूमत कोई एक्शन लेती है, तो कोई है बल्दिया बस्ती का वाली वारिस होगा, कोई संभाल सकेगा बल्दिया बस्ती को? देखिए, ये फैसला करना तो सिंध हुकूमत का काम है, सेक्रेटरी बोर्ड साहब का काम है। इसमें हम अपनी राय ना दें तो बेहतर है। वो बेहतर समझते हैं कि कौन कर सकता है कौन नहीं। जब बस करवाने वाले की विल होना चाहिए काम। हमने क्या मतलब मुर्तजा वहाब साहब के पास कोई क्या कसीर एक्सपीरियंस है काम करने का? लेकिन हमने उनकी तारीफें भी करी जो उन्होंने अच्छे काम करे। क्या बल्दिया एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनने के बाद मुर्तजा वहाब साहब फील्ड में मुतारिक नजर आते हैं? पार्कों को, वीरान पार्कों को जो वो किस तरह बेहतर तरीके से सवार रहे हैं, सजा रहे हैं, या और इतने मामला डील कर रहे हैं, तो मुर्तजा वहाब साहब को काम करने का दिल है तो वो कर रहे हैं। मेन चीज है कि अगर कप्तान अगर सिर्फ और सिर्फ सारे रन करेगा तो पूरे 10 लोग तो बाहर बैठ के कुछ नहीं करेंगे, उनको भी अपने हिस्से का काम डालना है। तो फिर मेरे ख्याल से उनको अपने लिए ऐसी टीम मुंतखब करनी चाहिए जो इनको ये मैच जिता सके। ठीक है, अगर उनको अपनी टीम, अगर उनको अपने काम अच्छे कर रहे हैं तो उनको अपनी टीम भी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया कामना जारी, आपने इस चीज के ऊपर वाजे और बहुत अच्छी डीपली रोशनी डाली है कि यकीनी तौर पर जो शहर कायद का जो इस वक्त हाल नजर आ रहा है वो यकीनी तौर पर सिंध हुकूमत से सवाल करना जरूर बनता है कि आखिरकार पूरे शहर की बात अगर हम कर लें और एक तरफ बल्दिया बस्ती की बात कर लें तो बल्दिया बस्ती पे एक सेपरेटली अलग सवाल बनते हैं कि आखिरकार वहां पे जो आपने एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए हुए हैं वो काम कर रहे हैं या क्यों नहीं कर रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो क्या काम नजर आ रहा है? क्योंकि बारिश में जो सूरत हाल थी उसने उनकी कारकर्दगी का पोल खोल दिया। दूसरी तरफ जो बिल बोर्ड्स हटाने के अहकाम थे, जो महकमा मौसमियात का अलर्ट था उससे दो रोज कबल ही उन्होंने नया बिल बोर्ड लगाया। आखिरकार जब अदालती अहकाम हैं तो ये बिल बोर्ड्स लगाए क्यों जा रहे हैं? किसकी सरपरस्ती में तमाम चीजें की जा रही हैं, किसकी सरपरस्ती में काम हो रहा है? और दूसरी जानब जो शहर कायद की सूरत हाल है, इस पर सिंध हुकूमत को काफी स्ट्रिक्टली सोचने की अब ज्यादा जरूरत पड़ चुकी है। मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा।